इट इज नेवर गोइंग। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं अपोकलिप्स जेड द बिगिनिंग ऑफ द एंड मूवी के बारे में। प्राइम वीडियो प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में रिलीज कर दिया गया है। अब बात करते हैं, इस मूवी में तुम्हारा टाइम देना सही रहेगा या नहीं रहेगा। मूवी इस मूवी में कहानी देखने मिलती है कि भाई एक वायरस फैल जाता है जिससे इंसान जो है ज़ॉम्बीज़ में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जिस बंदे पर कहानी फोकस करती है भाई उसको सर्वाइव करने का, वो कैसे सर्वाइव करेगा उसी चीज़ को जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ता है। मूवी को मैंने भाई देखा ना ज़ॉम्बीज़ से रिलेटेड के भाई कुछ अच्छे इंटेंस मोमेंट्स इस मूवी में देखने को मिलेंगे। चलो बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो बढ़िया इस मूवी में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन मैं भाई गलत था, इस मूवी का पूरा फोकस किसी और चीज़ पर ही था, यानी कि जॉम्बी से रिलेटेड आपको ये मूवी फील ही नहीं होती कि भाई इसमें जॉम्बी भी फिर रहे हैं। मूवी का पूरा फोकस उस बंदे पर था और ह्यूमन से रिलेटेड जो कहानी पेश की गई है ये मूवी उसी पर फोकस करती है। यानी कि जॉम्बीज से रिलेटेड जो कि जॉम्बीज की टेंशन वगैरह होनी चाहिए ना बॉस के, जिस तरह उनका काटना वाटना सब कुछ, वो कुछ भी इस मूवी में दिखाया ही नहीं जाता। थोड़े बहुत सीन आपको देखने में मिलते हैं जो कि भाई आपके कीड़े को मारने में कामयाब नहीं होते। और भाई इस मूवी की जो कि एंडिंग है वो थोड़ी सी रश फील होती है, वो आपको एंड वाला सीन इतना बढ़िया फील टाइप नहीं होगा। हालाँकि चलो कुछ हो जाए, एंडिंग तो इस मूवी की कमाल करनी चाहिए थी ना कुछ इंटेंस मोमेंट्स हमें देखने चाहिए थे, वो फील नहीं होते जिस तरह आदमी बच रहा होता है। इस मूवी का जो कि भाई करेक्टर डेवलपमेंट है वो बस गुजारा ही करती है। एक्टर्स का परफॉर्मेंस ठीक ठाक आपको लगता है। ये मूवी को जो बेचा गया है ना जॉम्बीज़ के नाम पर, तो इस मूवी में वो वाली फीलिंग्स आपको नहीं आती। अगर आपने जितनी भी जॉम्बीज़ की मूवी देखी है ना उनका पूरा फोकस उसी चीज़ पर होता है, लेकिन इस मूवी का फोकस अलग ही था बॉस। मूवी का स्क्रीन प्ले काफ़ी स्लो देखने मिलता है जो इस बंदे पर कहानी फोकस करती है। शुरू में उसका ही दिखाया जाता है बेबी के साथ, फिर क्या होता है ये सारा चलता रहा। ऑल दो इस मूवी की जो कि सिनेमेटोग्राफी है, जो लुक वगैरह बनाई गई है ओवरऑल, वो अच्छी देखने को मिलती है। ज़ॉम्बीज़ फैन के लिए ये मूवी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन तुम एक कहानी के साथ थोड़ा बहुत ज़ॉम्बीज़ का मर्च मिसाला देख सकते हो तो इस मूवी की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज अपना कीमती टाइम इस मूवी पर बिल्कुल भी ज़ाया मत करें। अगर मुझे इस मूवी को रेटिंग देनी हो 5 में से तो 2.5 रेटिंग दूंगा। वीडियो करते हैं खत्म। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।